पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश समाज सुधारक पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह चौहान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर हवन पूजन का आयोजन कर कार्यालय में प्रवेश किया गया। इस अवसर पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह चौहान ने SS पार्टी के घोषणा पत्र पर प्रकाश डाला और कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र के 20 बिंदुओं पर बोलते हुए कार्यकर्ताओं को जुटने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संचालक राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल चौहान ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए सवर्ण समाज को एकजुट होने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज सभी राजनीतिक पार्टियों में घोर अपमान झेल रहा है, इसीलिए सवर्ण समाज के सम्मान के लिए SS पार्टी की स्थापना की गई है। जय कुमार सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी को तिलक, तराजू और तलवार यही करेगा देश में राज का नारा देते हुए युवाओं को आगे आकर पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉ. अशोक चौहान ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं। हमारी पार्टी युवाओं को राजनीतिक मंच देने का कार्य करेगी और सवर्ण समाज को एकजुट करते हुए देश और प्रदेश को एक नई दिशा देगी। इस अवसर पर महिपाल सिंह, जिलाध्यक्ष अमरोहा, ब्रजेश चौधरी, बाबू सिंह बिश्नोई, प्रिंस शर्मा, अजीत सिसोदिया, मंडल महासचिव अमरोहा अशोक शर्मा के साथ और भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं भंवर सिंह चौहान आज सभी देशवासियों को नमस्कार करते हुए और माता के दिन चल रहे हैं नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हमने आज यहाँ हवन का आयोजन किया और जो हमारे स्वर्ण समाज की पार्टी है समाज सुधारक पार्टी के केंद्र कार्यालय का यहाँ पे स्थापना किया है और रिबन काट के उसका उद्घाटन किया है कि यहाँ से हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के चुनाव के लिए जो रणनीति और जो हम तैयारी कर रहे हैं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उसका संचालन वो काम यहाँ से होगा। ये केंद्र कार्यालय की स्थापना की है। वैसे जिले पे हमारे कई जिलों पर जिला कार्यालय बन चुके हैं, स्थापना हो चुकी है। 7 जनवरी को जो हमने पार्टी की घोषणा की थी अभी तक 10-12 जिलों में हमारे संगठन खड़ा हो चुका है और अभी आचार संहिता है, चुनाव है, इसलिए अभी हम थोड़ा शांत हैं। अभी हम अपने संगठनों के साथ हैं और संगठन के साथ में रह करके अभी संगठन का कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे और इस आचार संहिता खत्म होने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हम अपनी रणनीति को लेकर के अपने स्वर्ण समाज के अधिकारों को लेकर के आने वाले 2022 के चुनाव में स्वर्ण समाज के बिना सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। ये हम लोगों हमारी SS पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और इसके साथ हम मैदान में 2022 में जोरदार तरीके से चुनाव में उतरेगी हमारी पार्टी और 19 सीटों पर उतरेगी, 57 सीटों पर, 57 सीटें जो हमारे स्वर्ण समाज की बाहुबल सीटें हैं और 34 सीटें सेकंड नंबर की हैं जहां हार जीत का फैसला करता है स्वर्ण समाज। 35% हम लोगों का स्वर्ण समाज का वोट है जो हमारा समाज को अंधकार की तरफ धकेला गया है। हमारे बच्चों का आज जो 90% नंबर आता है और एक 45% नंबर आने वाले को, एक 55% नंबर आने वाले को, हमारा बच्चा हमसे कहता है कि पापा जी उसका नंबर आया, मेरा नंबर नहीं आया मेरिट में। क्या देश आज़ादी में हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं? मेरा नंबर पर 90% और 55% मेरे साथ पढ़ता है, मेरी क्लास में पढ़ता है, वो बशर्ते कि वो ऐसी समाज से है वो मेरे साथ में पढ़ने वाला और उसी वही मास्टर पढ़ाते हैं, वही किताबें मैंने पढ़ी हैं। उसके बावजूद टेस्ट में मेरे 90% नंबर और उसके 55% नंबर, उसका मेरिट में नंबर आता है, इसका दोषी कौन है? अब हम क्या जवाब दें बच्चों को कि इसका दोषी कौन है? 90% नंबर लाने वाले बच्चे का नंबर नहीं आया, क्या वो हिंदुस्तान में आजाद देश का नागरिक नहीं है वो बच्चा? क्या वो उसको हम जवाब दें? उसका दोषी कौन है? इसका विकल्प ढूंढने के लिए, इसका विकल्प निकालने के लिए और बच्चे को जवाब देने के लिए 2022 में स्वर्ण समाज एक ताकत बनकर अधिकारों को छीनने के लिए लखनऊ की पंचायत में पहुंचेगा। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आज हमारी SS पार्टी का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर सिंह जी के द्वारा हुआ, कर कमलों द्वारा हुआ, और आज कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे बीच प्रिंस शर्मा जो निर्दलीय तौर पर सांसद के लिए यहां पर्चा भरा है और चुनाव में उतरे हुए हैं, हमारे बीच में समर्थन के लिए आए, हमसे सहयोग मांगा और सर्वसम्मति से समस्त पदाधिकारियों ने तय किया कि हम मुरादाबाद लोकसभा में प्रिंस शर्मा को सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी उनको समर्थन करेगी, सहयोग करेगी, चुनाव लड़ाएगी और जिताने का काम